संस्था की ओर से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। बीते दिनों रामनवमी के अवसर पर हमने देश के अलग अलग हिस्सों में जो है सांप्रदायिक हिंसा देखी, चाहे वो गुजरात में हिम्मतनगर और खंबात में हुई हिंसा हो, झारखंड में हिंसा हो, राजस्थान की करौली में हिंसा हो, वेस्ट बंगाल में हिंसा हो। आज हम यहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर पर मौजूद है, जहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं ताकि वो इस सांप्रदायिक हिंसा का विरोध कर सके। यहाँ पर कुछ लोगों से हमने बात की है, सुनिए। कोशिश की जा रही है कि हम एक ऐसा समाज बनाए जहां संप्रदाय के हिसाब से, धर्म के हिसाब से जो दो हिस्सों में बटा रहे, तो सांप्रदायिक विद्वेष बने, ताकि एक ऐसी राजनीति पनप पाए जिसमें धर्म की राजनीति करने वाले, नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को वोट मिल सके। लेकिन जब हम छात्र यहां मौजूद हैं, हमें ये संदेश देना होगा कि ये राजनीति जो है चलाई जा रही है, ये राजनीति गलत है। और हमारी जो विरासत है, हमारी जो साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, हम उसको नहीं भूलेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुओं को चिंतित होना चाहिए कि उनके धार्मिक अवसर अब उनके नहीं रह जाएंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होंगे और उनको उसके अनुसार अपने धार्मिक अवसरों को मनाना पड़ेगा, है ना। ये जरूर हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जितना महत्वपूर्ण ये है कि आप उसका इस्तेमाल करके मुसलमानों और गैर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर सकते। यह ज्यादा चिंता का विषय है कि हर दिन हर त्योहार का इस्तेमाल अगर आप मुसलमानों पर हिंसा के लिए करेंगे तो यह किसी भी तरह कबूल नहीं किया जा सकता। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा आरएसएस की सरकार हिंदुस्तान में आई है, तब से नफरत का माहौल, नफरत की राजनीति एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसकी एक वजह यह है कि जो लोग ये खेल खेल रहे हैं, नफरत का खेल, वो उनको इम्प्यूनिटी हासिल है। हम जो भी करें हमारे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। तो चाहे वो किसी को गाय के नाम पर मारें, चाहे जो आज आपने बताया कि हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का है तो उसको मजहब कन्वर्जन के नाम पर मारें, चाहे हिजाब पहनने पर रोक लगाएं, चाहे खुले आम लड़कियों के, मुसलमान लड़कियों के रेप की बात करें, या मुसलमान औरतों के नीलामी की बात हो, या जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार करने का खुले आम आह्वान किया गया है, वो हो। जब उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कुछ होना नहीं है तो वो धड़ल्ले से कर रहे हैं, नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र। सुनियोजित है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि खुद से हो जाए। और पिछले सिर्फ रामनवमी का जुलूस नहीं, अगर हम पिछले 7-8 साल का पैटर्न देखें तो हमें समझ में आएगा कि हर तरह की हिंसा बाकायदा उसको प्लान किया जाता है, वो एक ही समय में होती है। चाहे वो गाय के नाम पे हो, आप देखेंगे कि पूरे देश में एक ही समय होती है। चाहे वो बच्चे उठाने के नाम पे हो, एक ही समय पे होती है। यहाँ तक कि जब बलात्कार होते हैं तब भी एक ही समय पे होते हैं। ये बहुत साफ है कि सारी चीजें आरएसएस हेडक्वार्टर्स में प्लान की जाती हैं और नीचे आदेश दिया जाता है कि अब ये होना है। उसी तरह से रामनवमी के जुलूस को भी सब जगह पे इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको क्या करना है, मस्जिदों के बाहर जाके हंगामा करना है, गाली गलौज करनी है, अभद्र भाषा का उपयोग करना है, और वो हुआ है पूरे देश में। तो लगातार हिंसा और नफरत की जो राजनीति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, आरएसएस की तरफ से भी और हमारी सरकार की तरफ से भी। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको खुला छोड़ रखा है, उन्हें मालूम है हम कुछ भी कर लें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। मेरे लिए ये ज्यादा फिक्र की बात है कि अब फर्क मिट रहा है जिसको आप नॉन स्टेट एक्टर कहते थे पहले, कि नॉन स्टेट एक्टर की हिंसा में और उसकी गुंडागर्दी में और पुलिस और प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई में, इन दोनों में फर्क मिट रहा है और ऐसा लगता है कि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर यह हिंसा कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और इस पर राजनीतिक दलों को तुरंत सचेत होना चाहिए, अदालतों को सचेत होना चाहिए, वरना हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारा जो पूरा सिस्टम है, चाहे वो पुलिस हो और कुछ हद तक जुडिशरी भी, वहां पे जो सांप्रदायिकता है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है। सांप्रदायिकता दिमागों में भरी हुई है, पुलिस के भी, जुडिशरी के भी, जुडिशरी के पूरी तरह नहीं लेकिन काफी हद तक।
और इसीलिए आपको ये रिलक्टेंस दिखाई देता है। अगर कोई गलती से कहीं कोई ऑफिसर होता है जो कार्रवाई करता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। हमने इस देश में ये भी देखा है कि जो बलात्कारी हैं उनके गले में हार पहनाए जा रहे हैं, और हार पहनाने वाले और कोई नहीं, वो बीजेपी के मंत्री हैं या बीजेपी के MLAs हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, जो पहले आपने बात कही कि पूरा ये एक प्लान तरीके से हो रहा है, ये एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है जो पूरे के पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहता है। ये बहस किस चीज पे है? यहाँ लोग जो विक्टिम्स हैं उनको आप दोषी मान रहे हैं, क्या ये लोग पागल हो गए मुसलमान के? उनके घर भी जलते हैं, उनको दुकानें भी खत्म हो जाते हैं, उनके उनको उनके बुलडोज कर देते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, और फिर कहते हैं कि इन लोगों ने शुरू किया ये दंगे फसाद, ये क्या दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल, ये बेहूदगी ये जो चल रही है इस वक्त। तो उनके उसके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ दिल्ली में। अगर मैं यहाँ बैठूंगा आप लोगों के नौजवान की बातें सुनूंगा, मगर यहाँ आना जरूरी है कि हमारी आवाज उठाना बहुत जरूरी है, ये मेरी राय है। तो इसलिए मैं यहीं आ गया हूँ, तो मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। एंड आप लोग जो काम कर रहे हैं, न्यूज क्लिक जो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, डूइंग सम वेरी गुड वर्क, और मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ यूट्यूब पे। और अच्छा कि ये मीडिया जो है, ऐसा मीडिया भी लोग देखते हैं जो जरूरी मुद्दों की राजनीति है, मेहनत कश जनता के मुद्दों की राजनीति है, उन राजनीति को सामने लाना पड़ेगा। हमें लगातार बेहतर सुविधाओं के लिए, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, बेहतर समाज निर्माण करना पड़ेगा।